नमस्कार सिमरन, और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आई डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। राजधानी लखनऊ में अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में 48 घंटे तक चले सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए न केवल एक महिला स्केच आर्टिस्ट को उसकी आंखों की रोशनी वापस मिली, बल्कि दिमाग में बने एन्यूरिज्म से भी निजात दिलाया। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने 4 चरणों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हरदोई उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के संडीला नगर अध्यक्ष संजय जायसवाल की अगुवाई में सदस्य विधान परिषद हरदोई अशोक अग्रवाल को संडीला में हरदोई और शाहबाद की तरह बाईपास बनाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया और ओवरब्रिज से होने वाली नगर के व्यापारियों की परेशानियों के बारे में बताया। लखनऊ में वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस के मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां उर्दू अदब के मशहूर शायर वासिफ यार साहब ने अपनी शायरी से समा बांधा। वहीं संजय शौक साहब ने कार्यक्रम की सदारत की। उर्दू अदब के बेहतरीन शायर एक मंच पर आए और वीर अब्दुल हमीद साहब को मंत्र से याद किया। झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद की ओर से जल विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में संगीत सम्मेलन का उद्घाटन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और सेवा योजक राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, जहाँ बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। प्रतापगढ़ में प्रेमी युगल के साथ दबंगों ने छेड़खानी की और विरोध करने पर मारपीट की। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। लखनऊ में कश्यप मित्रगण सेवा समिति के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते कई जगहों पर भीड़ द्वारा पिटाई का मामला सामने आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। इसको लेकर पुलिस ने जेठवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कानपुर देहात के पुखराया सीएचसी में दबंग ने पुलिस के सामने डॉक्टर के साथ मारपीट की और गाली गलौज भी की। दबंग ने डॉक्टर पर जबरन दबाव बनाकर बिना मेडिकल कराए रेफर करने का दबाव बनाया है। वही मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीलीभीत में दबंग ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और विरोध करने पर नाबालिग को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद 90% जली नाबालिग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। झांसी में 11वीं की छात्रा ने खेत पर जाकर पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली है। छात्रा के खुदकुशी करने की वजह एक युवक को बताया जा रहा है, जो उसे आए दिन परेशान करता था, जिसके तंग आकर युवती ने सुसाइड कर लिया है। प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। इसको लेकर बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही है। फिरोजाबाद के शिखोबाद में भारतीय शांति खेल महासंघ द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय शांति खेल महासंघ एवं सीताराम प्रवीण सेवा ट्रस्ट द्वारा फीता काट कर किया गया। संबल में पुलिस ने जबल मौजे का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलाहा और एक बोलेरो बरामद की है। पुलिस को बीते 6 सितंबर को राजपुरा थाना क्षेत्र के जंगल में दोनों की लाश मिली थी। फिरोजाबाद के टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों का हालचाल भी जाना। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर में 13 साल के बच्चे की मौत के बाद गांव के झोला छाप डॉक्टर धर्मेंद्र पर परिजनों ने गलत दवा देने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गांव के डॉक्टर द्वारा गलत दवा देने पर बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जहां अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। लखनऊ में कार्य परिचय हेतु विश्व मांगल्य सभा अवध प्रांत परिचय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। श्रीलंका 6ठी बार एशिया कप में चैंपियन बन गया है। फाइनल में उसने पाकिस्तान को मात दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का एक वीडियो सामने आया है, जहां पाकिस्तान की हार से बौखलाए रमीज राजा भारतीय पत्रकार से बदसुलूकी करते दिखे।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म रिलीज होने के तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही है और जबरदस्त कमाई करने में कामयाब रही। फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। सोने चांदी के नए रेट जारी हो गए हैं। जहां सोना सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज सस्ता होकर 50,658 रुपए हो गया है, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलो चांदी 55,076 रुपए हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माई भारत न्यूज़।